जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तरक्की दस्तक दे रही है। गरीब तबके को जमीन मकान और आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था स्थापित की जा रही है। विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति स्थापित करके आम आदमी को अपने मर्जी से जीने का अवसर प्रदान किया जाए, इसकी व्यवस्था में हम सब लगे। एक पुरानी कहावत है, थोड़े दिन के लिए कुछ लोगों को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन सब लोगों को सदैव के लिए गुमराह नहीं किया जा सकता। यहाँ कुछ लोगों ने नागरिकों को गुमराह करने की कोशिश की थी। उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में न लगाकर जम्मू कश्मीर के बिखराव और पिछड़ेपन के लिए उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज यहाँ की आवाम जागरूक हो गई है। नागरिकों ने देखा कि आर्थिक समता और शोषण की समाप्ति ने उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में किस तरह का बदलाव पैदा किया। आज हर एक नागरिक और खासतौर से नौजवान अपने लिए और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी का निर्माण करने में जुटा है, और इसके कारण जम्मू कश्मीर भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और राष्ट्र निर्माण की प्राथमिकताओं में जम्मू कश्मीर का नागरिक भी शामिल हो गया। बिना किसी भेदभाव के उनकी हर आकांक्षा को पूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। और एक बात का जिक्र मैं करना चाहूँ कि आज कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये रेल लाइन, जिसका अधिकतम भाग पूरा हो गया, उत्तर रेलवे इसी वित्तीय वर्ष में कश्मीर और कन्याकुमारी से रेलवे से जुड़ जाए, और मैं समझता हूँ इससे कितना बड़ा बदलाव आएगा इसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं। और केवल कश्मीर, कन्याकुमारी से रेल से नहीं सड़क मार्ग से भी जुड़ जाए। आप सबको जान मालूम है 10 घंटे 11 घंटे लगते थे जम्मू से श्रीनगर आने में, और 5 घंटे में लोग आसानी से पहुंच जा रहे। कटरा से दिल्ली एक नई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रही, कटरा से 5 घंटे में दिल्ली पहुंचने का काम अब यहाँ के लोग कर सकेंगे। कटरा से दिल्ली, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से कटरा, कटरा से दिल्ली, ये कुल 10 घंटे की यात्रा होगी। और फिर मुंबई एक्सप्रेस वे जो आने वाले दिनों में बन करके तैयार हो रही है, उससे मुंबई और मुंबई से कन्याकुमारी, तो रोड से भी हम कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं और रेल से भी कन्याकुमारी पहुंच सकते हैं।